नोटबंदी के फैसले के बाद जहां लोग नोटों के लिए तरस रहे हैं, एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, वहीं दूसरी तरफ आए दिन देश के कई हिस्सों से रेड में करोड़ों की नई करेंसी बरामद हो रही है। बेंगलुरु और हैदराबाद में भी छापेमारी में करोड़ों रुपए बरामद हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बेंगलुरु की है, जहाँ आयकर विभाग ने इंजीनियर और ठेकेदार के कई ठिकानों पर छापे मारे और यहाँ से उन्हें 4,70,00,000 की कीमत के 2,000 के नए नोट मिले हैं। 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद से नए नोटों में बरामद की गई ये सबसे ज्यादा रकम है। इसके अलावा 30 लाख के पुराने और छोटे नोट भी मिले हैं। इनसे 5 किलो के सोने के बिस्किट भी मिले हैं। माना जा रहा है कि सोने के बिस्किट पुराने नोटों के बदले लिए गए हैं। इसके अलावा ज्वेलरी भी बरामद की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर हैदराबाद से है, जहां पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा है और उनके पास से 95,00,000 रुपए से ज्यादा के 2,000 और 100 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। इन 5 लोगों में एक महिला भी शामिल है। और ये तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना हवाई अड्डे की, जहां गुरुवार को पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों के पास से करीब 1,20,00,000 रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। ये दोनों नागरिक थाईलैंड के बताए जा रहे हैं। फिलहाल आयकर विभाग इनसे पूछताछ कर रहा है। देश में कितना काला धन है और कहां कहां छिपा है, इसका सही अंदाजा किसी को भी नहीं है। लेकिन नोटबंदी के बाद से हर रोज इतना कैश पकड़ा जा रहा है, जो ये साबित करता है कि देश में अभी भी काले धन की भरमार है, जिसे लोग ठिकाने लगाने में जुटे हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।